गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप सब बढ़िया होंगे. अभी तो काफ़ी ठंड है एंड टुडे इज सैटरडे इवनिंग. तो हम लोग विज़िट किए HEB. तो मैंने पहले भी यहाँ पे विज़िट किया है, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था उस दिन, काफ़ी ठंड था. तो आज मैंने सोचा कि इतना अच्छा स्टोर है, मुझे फ़र्स्ट टाइम विज़िट करके बहुत अच्छा लगा था. तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बना के आप सबको दिखाएं. आप लोग, बहुत सारे लोग शायद विज़िट किए भी होंगे. तो वी हैव एंटर्ड थ्रू टेक्सस बैकयार्ड, जो कि बाहर आपको दिखा पॉट्स वगैरह था बैकयार्ड में लगाने का सामान. एंड वी हैव एंटर्ड द मेन स्टोर. नाउ इतना बड़ा स्टोर है ना, तो आप लोगों को एक साइड से ये घूमने से आप लोग पूरा स्टोर कंप्लीट कर सकते हो. फिर भी हम लोग पूरा स्टोर नहीं कंप्लीट कर पाए एक दिन में. तो हियर वी गॉट टू सी द रेडी टू ईट मील्स. ये एक्चुअली अमेरिकन बेस्ड स्टोर है. तो रेडी टू ईट मील्स यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी थे, बहुत सारे वैरायटी थे. बिकॉज़ यहाँ पे लोग ज़्यादातर यही सब यूज़ करते हैं. एंड सच्ची बोलूँ तो ये सब फ्रेश भी है और अच्छा भी था. बिकॉज़ हम लोग लास्ट पे एक मील लिए थे ऐसे ही, आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ. तो फिर आ गए हम लोग, एक साइड से हम लोग घूमने लग गए. कुछ चीज़ जैसे यहाँ पे ग्रीन वेजीज़ के साइड में आ गए, जो भी साग वगैरह था. एंड वी गॉट मस्टर्ड ग्रीन्स, जो कि मैंने ले लिया मस्टर्ड ग्रीन, सरसों का साग जो होता है, बहुत ही फ्रेश. और यहाँ पे एक सुविधा क्या होता है कि ये ट्रिपल वॉश्ड रहता है, मतलब वॉश करने का कोई टेंशन ही नहीं रहता है आपको. डायरेक्टली आप कढ़ाई में डालो एंड कुक कर लो, तो बहुत ही ईजी होता है ये. एंड दीज वेर द मेयोनीज वगैरह, जो क्रीम्स वगैरह, ये सब. एक्चुअली बहुत बड़ा स्टोर है, मतलब हम लोग एक साइड से घूमने लगे ना तो बहुत सारे, और एक चीज़ का, एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत सारे वेराइटीज़, मतलब आराम से चुन के ले सकते हो. दीज वेर द स्पिनच, इसमें भी काफ़ी सारे क्वालिटी, काफ़ी सारे वेराइटीज़ थे. तो उसमें आप ये, और ये देखिए, ये वेजीज इतने मुझे फ्रेश लगे. स्पेशली मैंने धनिया पत्ता लिया, मतलब कोरिएंडर लीव्स लिया, बहुत ही फ्रेश था. और ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये है वाटर चैनल. वाटर चैनल तो खैर बहुत सारे स्टोर में होता ही है. तो बीच बीच में ना वाटर स्प्रिंकल हो रहा था. देन वी केम टू दिस सी फूड एरिया. सी फूड का इतना सारा ऑप्शंस था ना गाइस, स्पेशली व्हेन वी केम टू दिस प्रॉन सेक्शन. श्रिम्प हो गया, प्रॉन्स हो गया, जंबो प्रॉन्स हो गया, टाइगर प्रॉन्स हो गया. एंड ये देखिए क्रैब आ गया, मतलब बहुत है. देख के लग रहा था कि सारा कुछ ले ले एंड कुक करके खाए. तो मेरा बेटा बोल रहा था क्रैब ले लो मम्मा, लेकिन मैंने नहीं लिया अभी के लिए नहीं लिया मैंने, बिकॉज मेरे घर में प्रॉन बचा हुआ है. और इस साइड देखिए ये सब टेंडर मीट वगैरह यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं. तो बहुत बड़ा सेक्शन था. इधर कुछ ऑफर्स और डील्स भी और सेल भी चल रहा था, कुछ मीट्स के ऊपर लो प्राइसेस भी थे. तो आप अगर चुन के लोगे ना, तो ये इतना बड़ा सेक्शन है कि आप आराम से अपने हिसाब से चुन के ले सकते हो सामान. एसेंस का सेक्शन है, एसेंस वगैरह हो गया. फिर हम लोग थोड़ा सा कॉस्मेटिक साइड में आ गए. और ये देखिए, ये है नट्स एंड चॉकलेट्स. ये देखिए, ये ना मैंने पहले कॉस्को से भी लिया है और ये बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी भी लगता है. देखिए कितना वैरायटी है नट्स यहाँ पे ना. ऐसे आप पैकेट में लेके ना, फिर आप वे स्केल रहता है, वे मशीन रहता है, वे करके भी ऐसे ले सकते हैं. इतने सारे वैरायटी थे, मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा. देन वी केम फॉर दैट गार्लिक ब्रेड. ये ना ब्रेड मैंने पहले भी लिया है, बहुत टेस्टी लगता है. ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मैं वही बोलूँगी, बिकॉज प्रिजर्वेटिव तो रहती है, बट कभी कभी ठीक है. एंड दिस इज़ द आइसक्रीम सेक्शन. एक्चुअली इसमें इतने वेराइटीज़ हैं ना, इतने वेराइटीज़ हैं, मतलब ये पूरा सेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज़ ऑफ आइसक्रीम. सो हम लोग एक आइसक्रीम भी खा लिए. एंड ये आ गए ब्रेड सेक्शन में. ब्रेड में सावरडो यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी मिलता है. दिस दही, ये देखिए हम लोग जैसे, मतलब ज़ीरो शुगर वाले
सामान अगर आप लेना चाहो, या फिर नॉन फैट्स वाले सामान, दूध के वैरायटी बहुत अच्छे मिलते हैं। ऑर्गेनिक वाला मिल्क यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ऑर्गेनिक मिल्क मतलब बच्चे के लिए या फिर खुद के लिए भी। एंड दीज आर द आलमंड मिल्क हो गया, स्पेशल जो मिल्क सेक्शन है ना, ये है यहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत वैरायटी के मिलते हैं। आ गए हम लोग बॉडी लोशन और मतलब क्रीम की तरफ, कॉस्मेटिक्स सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे भी वैरायटीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ मेडिकल वैरायटीज़ भी थे, जैसे बॉडी लोशन जो कि विंटर स्पेशल होता है। फिर मुझे दिख गया वैसलीन, वैसलीन तो खैर काफ़ी स्टोर्स में मिलता है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे मेडिकेटेड जो होता है ना, जो स्किन के लिए, जो ड्राई स्किन के लिए, मेरे हस्बैंड को एक चाहिए था तो वो अपना देख रहे थे। दिस इज़ द सेक्शन सी। सो द शॉपिंग इज़ डन। और ये देखिए फ्रेश फ्लावर्स जो कि घुसते साथ आप लोगों को दिखाए थे ना, प्लांट्स भी है पीछे तरफ, बट अभी मेरे घर में मैंने रिसेंटली लिया है तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, तो अभी घर चलेंगे। एंड दीज आर द पॉट्स एंड पैंस। अच्छा, यहाँ पे पॉट्स एंड पैंस बहुत वैरायटी होता है, बिकॉज़ ये अमेरिकन स्टोर है, तो यहाँ पे जैसे अमेरिकन लोग या फिर इस देश के लोग बेकिंग वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ग्रिल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं ये लोग, तो ग्रिल्स हो गया, बेकिंग पैंस हो गया, मोल्ड्स हो गया, सिलिकन मोल्ड्स हो गया, बहुत अच्छा, बहुत वैरायटी आपको मिलेगा यहाँ पे। बेकिंग ट्रेज भी बहुत अच्छे, बहुत वैरायटी के मिलते हैं। एंड नाउ वी आर डूइंग द बिलिंग एंड घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। सो फ्रेंड्स, एक रेडी टू ईट मील हम लोग एक लिए आज, ये चाउमिन जो किस कंपनी का, ये एक है पी ई चैंस का, इसको मैं बनाऊंगी लास्ट में। और ये देखिए जो मैं आपको बोल रही थी ना, ज़ीरो शुगर वाला जो ब्राउनी मिक्स है, मुझे ये देखा, पहले भी मैंने ये ट्राई किया है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं रिकमेंड करूंगी, ज़रूर आप लोग एक बार बना के खाइए। एंड दिस इज़ द आइसक्रीम ब्लू बेल का, ये मेरा बेटा चूज़ किया है, कुकीज़ एंड क्रीम का फ्लेवर उसको बहुत पसंद है, तो दिस इज़ द आइसक्रीम आई हैव गॉट। एंड ये है ज़ीरो शुगर वाला जो वनीला फ्लेवर का, जो कीटो दही होता है वो लिए हैं। दीज आर द चिकन लेग क्वार्टर्स, चिकन का ना मतलब पीसेस का जो वैरायटी है वो बहुत है, मतलब आप अपने हिसाब से जो भी आप डिश बनाने की सोच रहे हो उसके हिसाब से आप चिकन का पीसेस ले सकते हो। लाइक चिकन अगर बोनलेस भी लेना चाहो ना, तो बोनलेस में भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। एंड दिस इज़ अनादर रेडी टू ईट मील आई हैव टेकन, जो मैं बनाने वाली हूँ, स्वीट एंड सार चिकन, ये मेरा बेटा प्रेफर किया है विद दिस टेक्सस टोस्ट। पहले मैंने गार्लिक ब्रेड लिया था, लेकिन उसके बाद बेटा मेरा चेंज किया, ही वांट्स टू हैव दिस टेक्सस टोस्ट, सो लेट अस हैव इट टुडे, देखते हैं कैसा लगता है। ये मैंने लिया है ऑयल, एंड दिस इज़ द ऑर्गेनिक मिल्क आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये देखिए ये उल्टा हो गया है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मिल्क है, ये देखिए मैं सीधा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये मिल्क यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेफ भी लगता है लेना। एंड दीज आर द कॉटन बड्स, कॉटन स्क्रैप्स, सॉरी। एंड दिस इज़ द मेडिकेटेड बॉडी लोशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो मेरे हस्बैंड को चाहिए था, ये देखिए, हीलिंग एंड सेंसिटिव, इनफैक्ट अभी वो यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। एंड ये देखिए जो मेरा बेटा का डिश है ना, और ये देखिए रेडी टू ईट चाउमिन जो आप लोगों को बोले थे ना, ये मैंने लिया है। एंड अभी काफ़ी थक गए हैं बनाने के बाद, फिर अभी हम लोग बैठे हैं डिनर करने के लिए। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन हैव अ गुड नाइट एंड बाय बाय।